एंट्री हो चुकी है हमारी और यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी हो रही है, हम लोग वहाँ भी अपना बैगेज चेक करवा रहे हैं। तो इस तरीके से एंट्री हो रहा है यहाँ पे। मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये है लेडीज़ वुमेंस गर्ल्स एंड इस तरफ से मेंस का है और यहाँ पे इस तरीके से है। तो उन लोग का तो हो गया, अभी उन लोग का बैग है तो वो बैग की चेकिंग होती है, जैसे मशीन से आता है ना नॉर्मल आपका एयरपोर्ट और दिल्ली रेलवे मेट्रो स्टेशन से, इस प्रकार से तो चेक वेक हो रहा है फिर यहाँ को आएंगे, इन्हीं का वेट कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा आपका चेकिंग है। सो अभी अंदर जाके दिखाता हूँ ताजमहल आपको। अभी रश कम है, शाम का टाइम इवनिंग में कम रहता है, बट वीकेंड्स में कभी कभी ज़्यादा भी रह सकता है, डिपेंड करता है किस टाइम पे कितने लोग आ रहे हैं, बट अभी ठीक है बस इतना ज़्यादा नहीं है, टिकट काउंटर पे भी इतना नहीं था। ये एंट्री का गेट है, टनल बना रखा है, यहाँ पे लाइट लगी ऊपर एलईडी छोटी छोटी, वहाँ से आके सिक्योरिटी गेट से आके ऐसे टनल है जहाँ से एंट्री होती है। ये देखिए ताजमहल का है, 1862 1874 1878 1882 1884 ये ईयर वाइज ना जो ताजमहल में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली ईयर वाइज ये फ़ोटोज हैं। 1987 2001 एंड ये दिस इज लास्ट 2018। ये आपका पूर्वी दीवार, जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें, ये आपका बिफोर कन्वर्जेशन से पहले कैसा था, ये कंप्लीट डिटेल्स दे रखी हैं ताजमहल के बारे में और क्या क्या है यहाँ, रामबाग, चीनी का राजा और इस तरीके से यहाँ आ गया वो टनल के बाहर आ गए। ये देखिए किस प्रकार का इस टाइप का, यहाँ पे तिजोरी यहाँ है, मतलब ये दरवाजे हैं, क्या है अंदर भगवान जाने, पुराना है इस तरीके से। अंदर को जाते हैं अभी, देखते क्या है। नाइस यार है, अच्छा है। देखिए ये पूरा रेड में है, अभी अंदर की तरफ भीड़ है, जैसे बाहर उतनी भीड़ नहीं थी लोग क्योंकि पहले आ रहे, 5:30 का जो होता आखिरी स्लॉट होता है टिकट का, उसके बाद टिकट नहीं मिलते हैं, 7:30 तक लास्ट लोग अंदर रहते हैं, उसके बाद बाहर आ रहे थे, अलाउ नहीं होता 7:30 के बाद। तो ये आपका गेट आ जाएगा ताजमहल के अंदर जाने के लिए, जो गेट आएगा स्टार्टिंग गेट। इज अ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, चारों तरफ ग्रीनरी है, ग्रास लैंड्स हैं, आप अलग अलग रिलीजन्स कास्ट एंड इवन कंट्रीज़ के भी लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंड इस तरीके से गाइड के लिए आते रहते हैं लोग बार बार, बट रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप नॉर्मली बाहर आउटसाइड करते हैं, अंदर आप जहाँ चाहते हैं देखना चाहते हैं। देखिए क्या व्यू है, मतलब यहाँ का दिस इज़ नाइस ब्यूटीफुल, खुद से बड़े जूते पहन के भी आते कुछ लोग। ये ग्रीनरी कैमरे में और ज़्यादा सुंदर लग रही है और सामने से मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के ना, आई प्लीजिंग कहते हैं इसको, बिल्कुल आंखें को एक संतुष्टि मिल गई है। तो यहाँ से गेट की एंट्री अंदर की, तो अभी अंदर दिखाते हैं हम अंदर किस प्रकार का है, क्योंकि नहीं तो फिर ब्लॉग इस समय काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो अंदर की एंट्री दिखाता हूँ मैं आप लोग को किस प्रकार से अंदर कैसा है ताजमहल क्या है, चलो अंदर चलते हैं। सुंदरता, बहुत भीड़ है, लोग कहाँ चले गए बता दें, वो आगे गए हैं। दिस इज ताजमहल, ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। फॉरनर्स भी आए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, इसी का तो रिक्वायरमेंट है जो आप लोग हर कोई यहाँ अगर आता है इस चीज़ के लिए। रियली कितना ब्यूटीफुल पीस बना रखा, मतलब एक आर्किटेक्ट सोच सकते हैं हम उस टाइम पे जब ये बना था तो कितना टैलेंट था ना इंडिया के लोगों में, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नया बना दिया कुछ, ये आपका जो रहता है थोड़ा उसको अच्छा किया जाता है, मेंटेन रखी जाती है, बट ताजमहल पे जो है वो पूरा एक्चुअली एग्जैक्टली सेम चीज़ है जैसा था, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए यहाँ आपका फूल हैं, गार्डन्स हैं, फ्लावर्स हैं और रस देखिए लोग कितने आ रहे हैं, कई लोग अंदर भी जाते हैं, मैंने अंदर का टिकट नहीं लिया, अंदर का ऐसा कुछ इंटरेस्टेड है नहीं, बट लोग एंट्री अंदर भी करते हैं, अंदर आपका शाहजहाँ मुमताज़ की कब्र है
और बाकी चीज़ें बताई जाती है, गाइड भी लेके जाते हैं लोग, 100-200-300 रुपये में आपका गाइड हो जाता है। 50 रुपीज़ का नॉर्मल टिकट है, अगर आपको ताजमहल के अंदर एंट्री चाहिए तो 250 रुपीज़ का टिकट रहेगा पर पर्सन, और 50 रुपीज़ नॉर्मल टिकट है आपका यहाँ अंदर एंट्री के लिए, यहाँ 50 रुपीज़ में एंट्री कर सकते हैं। लास्ट टाइमिंग जो टिकट की रहती है वो 5:30 रहती है, 7:30 के बाद आपको बाहर आना होता है। तो ये आपका टाइमिंग्स रहते हैं, कोई भी आना चाहे तो ईजिली आ सकता है, ऐसा कोई ज़्यादा रश नहीं है। ऑनलाइन वे में भी आप लोग टिकटिंग कर सकते हैं, उसका वेबसाइट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा और वीडियो में बता दूँ, www.tajmahal.gov.in, इसमें आप जाके कर सकते हैं। और अब देखिए जितना पास आते रह रहा है उतनी सुंदरता बढ़ रही है, जितना पास आ रहा है उतनी सुंदरता बढ़ रही है। थोड़ा क्लोज जाके मैं शॉट दिखाता हूँ आपको, स्केल को बहुत प्यारा है, कुछ फ़ोटोज़ भी मैं इसमें आपको डालूँगा, और ऑब्वियस सी बात है थंबनेल में तो ताजमहल ही होगा, तो वो भी एक बेहतरीन फ़ोटो में आप देख पाएंगे। तो क्लोज जाके शॉट देता हूँ एक दो, ये है आप क्लोज से शॉट देख सकते हैं आप लोग ताजमहल का। और पर जो चीज़ मैं अपनी आंखों के सामने से देख पा रहा हूँ ना, वो ब्यूटी एक अलग लेवल की है, उसको आप लोग फील नहीं कर पाएंगे मतलब, बट थोड़ा बहुत आप देख सकते किस तरीके से देखिए प्रॉपर रियल ब्यूटी चारों तरफ, जो ये वाटर फाउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, और उसमें जो वाइट कलर का बीच में आपका ताजमहल बना है ना, बहुत प्यारा बना है, रियली ब्यूटीफुल ब्रो, मज़ा आ गया, बहुत ही सुंदर। इस तरीके से पुलिस सिक्योरिटी रहती है, रूट फॉर जनरल टिकट होल्डर, रूट फॉर हाई वैली टिकट दिस वे। सो ये जो है 250 वालों का जो रहता है अंदर जाने के लिए रहता है, एंड दिस इज़ फॉर नॉर्मल टिकट जो हम लोग लेके चले 50 रुपीज़, अगर आपको अंदर ताजमहल के जाना है देन वो आपका रहता है। हाँ यहाँ से नहीं आएगा, सबको फ़ोटो खींचने की हो रही है यहाँ के, फ़ोटो चाहिए, एंड अच्छा है मतलब है, वैल्यू फॉर मनी है। तो अभी घूमता हूँ थोड़ा, इन्जॉय करता हूँ मैं भी, बाकी आगे कुछ भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग रहता है तो आपको दिखाते रहूँगा मैं, अभी तो लंबा ट्रिप है मेरा, तो इस ट्रिप में कई चीज़ें देखते रहेंगे आप लोग। तो फिलहाल मैं अभी ज़रा इन्जॉय करता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ अपने लिए, एक बार और दिखा देता हूँ। This is beauty. ये देखिए कंप्लीट, चलो मैं भी कुछ फोटोज क्लिक कर लेता हूँ अपने लिए। हाँ तो पूरा मतलब लगभग ताजमहल देख चुका हूँ पूरा कम्प्लीटली, इधर ये रेड कलर से बीच में ऐसे भी वाइट का जो काम है आपका ताजमहल पे, तो ऐसा नहीं है पूरा, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, मतलब कुछ बना है क्या आर्किटेक्ट है यार, सीरियसली जिन बंदों ने बनाया ना सल्यूट है, क्या बनाया है जी, मज़ा आ गया। इसके मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ और बहुत सारी रील छोटे छोटे क्लिप्स लेके डालूँगा, बट मज़ा आ गया, यहाँ दिल खुश हो गया है यहाँ के, आपका इतना लंबा ट्रैवल जो था वो कंप्लीट हुआ है, सफल हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, सो इट्स नाइस। एंड अभी आप थोड़ा इन्जॉय करते हैं इस टाइम को, तो अभी बाकी तो जितना भी था आपको कंप्लीट मैं चीज़ दिखा चुका हूँ, तो थोड़े अब आराम करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा व्यू का मज़े लेता हूँ, बाकी जो जो रहेगा आगे आपको दिखाते रहूँगा, थोड़ा रेस्ट करते रिलैक्स करते हैं। तो ये देखिए जैसी मतलब यहाँ इतनी सारी सुंदर चीज़ें हैं कि मैं जैसे ही आप लोग से कह रहा हूँ चलो अब मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ देखता हूँ चीज़ें, तब तक कुछ ऐसा दिख जा रहा है कि जो आप लोग को दिखाई भी ना रह नहीं पा रहा हूँ। ये कंप्लीट यमुना नदी है आपका, यमुना नदी के किनारे पे बनता है, तो पूरी यमुना नदी है, ये फेंसिंग कर दी है यहाँ पे ताकि इंसान आगे ना जाए, तो इसके पीछे से ही आप देख सकते हैं वहाँ नहीं जा सकते, ये आपकी ओरिजिनल फेंसिंग है जो आगे जो शाहजहाँ के टाइम पे बनी थी। दिस इज रियल ब्यूटी, एंड एक बार दोबारा इस सुंदर चीज़ को तो आपको दिखाना, जितने बार देखो उतना कम है भाई, क्या चीज़ बना रही है। तो ये था आपका यमुना नदी का किनारा, इस तरफ को पूरा ही जंगल है, एक वन भी है बाघ बोलते कुछ, वो रात को 9 बजे तक खुला रहता, तो अगर यहाँ से टाइम से जाने का मन करा और चले गए तो शायद वहाँ भी जाएँ, तो वो सब भी दिखाऊँ आपको तब तक आगे के लिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना। तो अभी आप एक बार ताजमहल को दोबारा देखो और फिलहाल आगे पहुँच के दिखाता हूँ आगे क्या है। हाँ तो गाइस अब निकलते हैं, बहुत थक गए, इतना बड़ा ताजमहल का एरिया ना, बहुत बड़ा है बट अच्छा है,
आना चाहिए, मस्ट है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा बेकार प्लेस है या फिर वर्थ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। मतलब आके अगर आप ताजमहल का जो फर्स्ट व्यू देखोगे ना उसमें तो ऑसम ब्रो, एंड जब पीछे ये हरियाली वगैरह है चारों तरफ तो बहुत बेहतरीन है। मतलब आके दिल खुश हो जाएगा, जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो उतना कर सकते हो, कभी मन नहीं भरेगा। एग्जैक्टली जैसा भी मेरा मन नहीं कर रहा है, जन तो नहीं है कि घर जाएं रूम पे जाएं, बट जैसे आपको पता कि कल निकलना है मथुरा को, तो बहुत ड्राइविंग करना है तो रेस्ट करना भी कंपलसरी ज़रूरी है। और इन लोग का डिस्कशन वीडियोज़ ये सब पूरी नहीं हो रही है अभी कम्प्लीट। हाँ तो होगी, वीडियो पूरी बन गई तो चले भी फाइनली। ये आज इतनी फ़ोटोज़ हैं मेरे फ़ोन में, बाय गॉड इतनी फ़ोटोज़ हैं मेरे फ़ोन में, मैं बता नहीं सकता, फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़ हो चुकी हैं कलेक्टिवली। बट अभी भी आप देखेंगे रस बहुत ज़्यादा है यहाँ, कोई नहीं कहेगा कि रस कम है, बहुत रस है, लोग आते हैं। एंड सीरियसली जगह भी है कि लोग आए यहाँ, आप देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, और इवनिंग पे देखिए ताजमहल और सुंदर लगता है, जितना शाम होता रहता है ना तो ताज यहाँ पे देखिए, अब चाँद निकल रहा है तो उस फेस से ही और अच्छा लगता है उस तरफ से। तो फाइनली निकलते हैं बाहर, कुछ खाते हैं, और जहाँ तक मैं बताऊँ तो ये व्लॉग आपका दो पार्ट में आएगा मेरे को जितना लगता है, क्योंकि जिस तरीके से लॉन्ग हो गया, काफ़ी स्ट्रेच हो गया, तो दो पार्ट पे आएगा। तो आप लोग से मैं उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ व्लॉग पे सब लोग कंटिन्यू रहें, सारी चीज़ें देखें, पूरी कंप्लीट ट्रिप्स आपको दिखते रहेंगी। ये वाला व्लॉग दो पार्ट में आएगा, आज और कल के दो पार्ट पे। तो चलो अभी बाहर को निकलते हैं, बाहर निकल के दिखाते हैं क्या खा रहे हैं, क्या चल रहा है, फिर रूम पे जाएंगे नाइट में क्या खाते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं, चलें 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 हाँ देखिए बिल्कुल फोटो शूट्स हो रहे हैं, इनका पूरा ही नहीं हुआ। चलो मैं तो निकलता हूँ, लोग के फोटो पूरे नहीं हुए यार, थक चुका हूँ मैं पूरी तरीके से, इसलिए मैं निकलता हूँ अब बाहर को, तभी बाहर जाएंगे तभी कुछ खा पाएंगे। चलो चलते हैं अब यहाँ से। तो ये था आज का ताजमहल का ट्रिप, अभी बाहर क्या होता है सब दिखाते, बट सीरियसली मैं जाने से एक बार दोबारा ये एरिया आपको दिखाता हूँ ना, ये देखिए ये फन, ये चीज़ है कुछ, दिल करेगा देखते रहो बस। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ से निकलते हैं हम, अभी हम आ गए अब नुमाइश में, यहाँ लगी थी नुमाइश, इसका नाम है ताज महोत्सव। हाँ यहाँ देखो भयानक भीड़, मतलब ये देखिए मूर्ति कालीन, यहाँ है प्रॉपर भीड़। धीरे धीरे चलो, थक भी बहुत चुका हूँ आज तो मैं। फिर भी आप लोग के लिए यहाँ आया हूँ मैं। हाँ और वो हाँ वहीं रखा है गाड़ी में। बुलबुले बुलबुले जेब में, अंजू ले लूँ, फुलाएगी, पिछली बार इसने 20 रुपये पर, पिछली बार 20 रुपये बात कर दी उसने। ओ झूला, बहुत रस है, बहुत सब कुछ है यहाँ तो। मोहित चलाएगा से ले, मोहित तुम अंजू तेरे चले नहीं है स्कूटी, तेरे तेरे मतलब की स्कूटी, कलाकारी देखो यहाँ कितना है यार, यहाँ भयंकर मस्त लगा है यहाँ, देखो नुमाइश अच्छी लगी है आगरा में। वैसे इसका नाम है ताज महोत्सव नुमाइश, तो हमारे वहाँ बोलते जो हल्द्वानी वाले उत्तराखंड वाले उनको पता होगा, हमारे वहाँ लगती है एक बार दो दिन महीने के लिए, तो इसलिए। बट ये है ताज महोत्सव, और बट सेल टाइप का ही समझ लीजिए आप, मेला टाइप का, इन शॉर्ट फॉर्म का मेला लगा है, जो कि 2 दिन लास्ट है, अभी मैंने टिकट में पूछा था 2 दिन आखिरी है, 20 रुपीज़ टिकट है ओनली, जो लोकल के आगरा वाले वो तो आ सकते हैं आराम से, अच्छा है, रस काफ़ी है, मतलब लोग काफ़ी आए हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलर है, लगती है कभी कभी। तो बस यही है, झूले हो रहे हैं, थोड़ा झूले दिखाता हूँ आगे जाके आपको। अभी हम ले रहे हैं पापड़, ये लोग पीछे पापड़ लगे हैं,
अपने वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बताऊँगा नुमाइश में आते हैं। जैसा मैंने कहा नुमाइशी ये मेला एक टाइप का, मैं दिखाता हूँ कैसा पापड़ होता है, कैसा होता है खाने में, यहाँ का देखते हैं। हमारे वहाँ तो बढ़िया होता है, उसके ऊपर एक मसाला टाइप का डालते हैं, नमक टाइप का, और टेस्टी होता है। यहाँ बहुत चीज़ें लगी है, लस्सी वगैरह खाने पीने की, सब खाएंगे अभी एक एक करके। फर्स्ट पहले पापड़ आ गए, वो दिखा रहा हूँ, ये देखो ये आ गए अपने पापड़। कैसा है टेस्टी है, प्यार। अभी आगे को देखते और क्या क्या है। चलो हाँ, तो अभी फाइनली नुमाइश आपको दिखाया था वो सब देख के, जस्ट अभी खाना खाने आए, जस्ट पहुँचे, बहुत थक चुके हैं, फाइनली हालत ख़राब हो चुकी है अब टोटली, अब हमें हाथ पांव सब दर्द कर रहे हैं। ये फटाफट खाना फिनिश करते हैं, खाना दिखाता हूँ आपको, उसके बाद फिर सोते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए गुड नाइट। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।